नमस्कार शारवागेनी तमाम महत्वपूर्ण खबरों साथे हूँ छू हेतवी अने महत्वना समाचारों पर नजर करे तो चूंटणी पहला एक्शन में भाजप जोवा मळी रही छे। आज फरी एक वार गुजरात प्रवास पर गृहमंत्री अमित शाह आवी रह्या छे। प्रदेश भाजप कार्यालय खाते तेओ बैठक योजशे। रात्रे कमलम में महत्वनी बैठक योजाशे। चूंटणी लक्षी रणनीति पर चर्चा थशे। गईकाले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा साथे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और भाजप प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिले बैठक योजी हती। हवे आजे अमित शाह खुद कमलम में आवी रह्या छे, जेमां पक्षनी आगामी रणनीति पर मंथन थशे। गुजरात कांग्रेस ना सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत फरी बे दिवस ना गुजरात प्रवास पर आवशे। 17 અને 18 ઓક્ટોબરે ગુજરાતના પ્રવાસ પર તેઓ આવી રહ્યા છે। અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ હોદ્દેદારો સાથે તેઓ બેઠક યોજશે। બેઠકમાં ચૂંટણી રણનીતિને લઈને ચર્ચાઓ થશે। ચૂંટણી પહેલા એક્શનમાં કોંગ્રેસ જોવા મળી રહી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં તેઓ રાધનપુરમાં જનસભાને સંબોધન કરશે, જ્યારે થરાદમાં પણ રોડ શો અને જનસભાને સંબોધન કરશે। तो सुरेन्द्रनगर में मंच पर अनुराग ठाकुर विपक्ष पर प्रहार सामे आव्या। इटालियन महिलाए कहूं त्यारे गुजराते जवाब आप्यो। इटालिया ने गुजरात जड़बातोड़ जवाब आपशे। ठाकुर नुं आ निवेदन सामे आव्यु छे। केन्द्रीय मंत्री कांग्रेस अने आप पर प्रहार कर्या छे। नाम लीधा विना सोनिया गांधी निवेदनों ने उल्लेख कर्यो छे। 2007 में सोनिया गांधीए मौत का सौदागर शब्द नो उपयोग कर्यो हतो। आ तरफ आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालियानो पण एक वीडियो वायरल थयो छे, કે જેમાં તેઓ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના માતા હીરાબા માટે અશોભનીય ભાષા પ્રયોજી રહ્યા છે। એક માં કે ખિલાફ ઇતને નિંદનીય શબ્દો કા પ્રયોગ કરના યે અપને આપ મે દિખાતા હૈ કે આમ આદમી પાર્ટી કા દિવાલિયાપન ક્યા હૈ। ઇટાલિયન મહિલા ને કુછ કહા થા તો ગુજરાત કે લોગો ને જવાબ દિયા થા। ઇટાલિયન ને કહા હૈ મુંહ તોડ જવાબ ગુજરાત કી જનતા દે। एक माँ के खिलाफ इतने निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना यह अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का दिवालियापन क्या है। इटालियन महिला ने कुछ कहा था तो गुजरात के लोगों ने जवाब दिया था। इटालियन ने कहा मुंह तोड़ जवाब गुजरात की जनता देगी। तो राजकोट में कड़वा पाटीदारों शक्ति प्रदर्शन मिलो। उमियाधाम सिद्धेश्वर संस्था द्वारा अक्षर मंदिर हॉल में महासम्मेलन योजना, जेमा सौराष्ट्र भर कड़वा पाटीदारों जोड़ाया। भाजपना पदाधिकारी सहित अनेक राजकीय अग्रणी उपस्थित रहा था। सिद्धेश्वर उम्मेधाम संस्था प्रमुखे जणाव्यु कि सम्मेलन 2024 में सिद्धेश्वर उम्मीद माता प्रागट्य 125 वर्ष पूर्ण थी रहा है, तरह 2024 में सवा शताब्दी महोत्सव आयोजन ने लईने से कोई राजकीय हेतु नहीं, परंतु 2024 महोत्सव में 1.5 वर्ष पहला सम्मेलन मनेक तर्क वितर्को थी रहा है। સવા શતાબ્દી મહોત્સવ 2024 ઉજવવો છે, એના અનુસંધાને પણ આજની મિટિંગનો મુદ્દો છે। બાકી સમાજના વિકાસ માટે, સમાજના સંગઠન માટે એનું આજની મિટિંગ છે। રાજકીય આગેવાનો તો સમાજના બધાય ભાઈઓ હોય એટલે સ્વાભાવિક છે, આવું ફંક્શન હોય તેથી બધાને બોલાવવાના હોય, પણ આજની મિટિંગનો કોઈ રાજકીય ઉદ્દેશ